अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। JNS पब्लिक स्कूल, गोपालपुर, श्यामपुर, सिवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, को करिकुलर एक्टिविटीज ऑन एवरी सैटरडे, well trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040. Deepak, aap log आज 24वां पूर्ण तिथि के अवसर पर आज सौभाग्य है कि हमारे बीच पीछे उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सिवान के अपने यहाँ वैश्य कम्युनिटी में ही यहाँ पूरी जमात और कुमार और हमारे जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, कुमारानंद जी, दीपक जी और हमारे सभी वैश्य समाज के संघर्षोली जी, सारे लोगों द्वारा, के जी के द्वारा, दीपक जी हमारे बीच, जयप्रकाश पुजारी जी आज इस पूर्ण तिथि के अवसर पर पटना से आए हुए हैं। वही पर वही से गीत वैश्य समाज के सारे सभी भाई और बंधु को मैं जयप्रकाश पुजारी सादर नमस्कार करता हूँ और इस मित्र को प्रणाम करते हुए स्वर्गीय बाबू की इधर देखिए उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा विशालाल जी, वार्ड नंबर 2, जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, क्षेत्र संख्या 4 से जिला परिषद है और वह समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। गणेंद्र सिंह का सम्मान हम लोग कुछ युग के साथी रहे हैं। वकील साहब जब बादल त्याहू जी भाई आ जाए। और हम लोग के साथ लगातार एक सप्ताह तक ये घूमे हैं क्षेत्र में। इधर देखिए उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा विशालाल जी, वार्ड नंबर 2, जिस स्थान पर कार्यक्रम हो रहा है, क्षेत्र संख्या 4 से जिला परिषद है और वह समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। गणेंद्र सिंह का सम्मान हम लोग कुछ युग के साथी रहे हैं। वकील साहब जब बादल त्याहू जी भाई आ जाए।
और हम लोग के साथ लगातार एक सप्ताह तक ये घूमे हैं क्षेत्र में। आज अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन का आयोजन किया गया है सिवान में, और सिवान की धरती पर आपको मीडिया बंधु की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है यहाँ पे सारे सिवान के वैश्व समाज के लोग आज इकट्ठा हुए एक मंच पे? अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन के तत्वाधान में 13 जून जो ऐतिहासिक दिन माना जाता है वैश्य समाज के लिए, हम लोग के वैश्य समाज के प्रनेता, वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहीद इंजीनियर बिहारी प्रसाद जी का 24वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। पटना में भी सरकारी स्तर पर मनाया गया, और यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, उनके द्वारा भी शहीद बिहारी प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। जिस कार्यक्रम में पटना से प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ता जी, प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार आजाद जी, सांस्कृतिक सेल के अध्यक्ष जयप्रकाश पुजारी जी, और यहाँ के हमारे लोकल विधायक पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी, शंभू प्रसाद जी, डॉक्टर राजा प्रसाद जी एवं कई कुणाल कुलानंद जी, सारे लोग इस कार्यक्रम में कई दिनों से लगे हुए हैं। शहीद बिहारी प्रसाद जी की 24वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से बिहारी प्रसाद जी ने वैश्य समाज को एक मंच पर लाने का काम किया था, आज उनके अधूरा सपना को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन सिवान ही नहीं बल्कि सिवान के साथ साथ कई जिलों, हमारे बिहार में जो 33 संगठित जिला है, हम तमाम जिलों में बल बिहारी प्रसाद जी का जो सपना था उस सपना को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन आंदोलन और संघर्ष करने का काम कर रहा है। आज के दिनों में जो हमारा सभी जातियां जो है अपने अपने हक हुकूक अधिकार के लिए सरकार से मांग कर रही है, और ये वैश्य जो आपका मतलब जो समुदाय है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार जो है इस समुदाय के विकास के लिए कितना तत्पर रही है? निश्चित रूप से आज एनडीए की सरकार है, और उस एनडीए की सरकार में वैश्य समाज को मान सम्मान मिलने का काम किया है। हम 56 उपजातियों में बैठे हुए हैं, हमारी आबादी बिहार में 27% है, और 56 उपजातियों को एक मंच पर लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वह बहुत ही अच्छे ढंग से काम हो रहा है। कई तरह की चीज़ हमारे वैश्य समाज में कई उपजातियाँ जिनको हम लोग ने, जब बैकवर्ड क्लास कमीशन में मैं मेम्बर था, तो कई जातियों को मैंने अति पिछड़ा मिलाने का काम किया, जो जातियां बिहार में नहीं थी उनको हमने बैकवर्ड टू मिलाने का काम किया। उस तरह से वैश्य समाज को इस एनडीए सरकार में, आज हमारा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, गृहमंत्री अमित शाह हैं, तो वहाँ बिहार में हमारा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, बिहार के डिप्टी सीएम हमारे तारकिशोर प्रसाद जी हैं, सांसद हमारे सुशील मोदी साहब हैं, ना जाने कितने वैश्य समाज आज हमारे वैश्य समाज में 23 विधायक हैं। इसलिए मैं दावे से कह सकता हूँ कि एनडीए सरकार में वैश्य समाज को अधिकाधिक सम्मान प्रतिष्ठा मिला है। अभी 24 जो निकाय का चुनाव हो उसमें 24 निकाय में हम 6 विधायक वैश्य समाज जीतकर आए हैं, 25% हमारी आबादी हुई है। मैं वैश्य समाज के तमाम नेताओं की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो एनडीए के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, जो हमारा अधिकार मिलना चाहिए, जितनी हमारी आबादी है उस आबादी के अनुसार हमारे वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, या हमारे निगम में हो, बोर्ड में हो, MLC हो, राज्यसभा हो, या कई तरह के ऐसे संगठन हैं जहां भाई चांसलर बनते हैं, प्रतिकुलपति बनते हैं, हमारे बिसूत्री में हैं, प्रखंड में हैं, हम तमाम वैश्य समाज के लोग आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी से, जो एनडीए गठबंधन के सरकार में हैं, आज वैश्य समाज के लोग जो है आज जो आंदोलन कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो सम्मान जो और मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, मैं चाहता हूँ कि 27% आबादी वाले व्यक्ति को कोई भी पार्टी, कोई भी नेता उपेक्षा नहीं कर सकता है। आने वाले दिनों में अगर हमारा एनडीए गठबंधन के नेता सही रूप में अगर वैश्य समाज को अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तो अपनी ताकत संघर्ष से हम सरकार पर आंदोलन करके अपना अधिकार हकूक लेने का काम करेंगे। आने वाले समय में बिहार सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, तो क्या लग रहा है जातीय जनगणना होने से वैश्य समाज को अधिकार मिल पाएगा? निश्चित रूप से जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना का शुरुआत जो करने जा रही है, हम बिहार सरकार से हम मांग करेंगे जो हमारा जातीय जनगणना में हमारा 56 उपजाति है, एक कॉलम ऐसा भी होना चाहिए जाति और उपजाति, उसमें से
जो उपजाति तो लिखे ही लिखे लेकिन जाति में बहस गोष्ठ में बहस करके लिखना का काम करें, जिससे कि हमारा मांग और जो डिमांड जो है और जिससे हमारा गिनती होगी कि हमारा बहस में जो 56 उपजातियाँ जो बहस है हमारी कितनी आबादी है। हम निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आज हम 27% कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा जनगणना होगा तो उससे भी ज़्यादा हमारा जाति बहस होगा, जो एक प्लेटफार्म पर आके हम अपनी ताकत को सरकार में हम अपनी मांग को रखने का काम करेंगे। धन्यवाद। देख रहे हैं मीडिया कर्मियों को संबोधित किया जा रहा है। सबसे पहले हम महाराजगंज के पूर्व विधायक एम नारायण शाह जी से जानेंगे कि सर यहाँ जो कुणाल आनंद के द्वारा जो इस तरह का एक व्यापक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया, आयोजन किया गया, आपको क्या लगता है कि इसकी शुरुआत जो है पहले से हो जानी चाहिए थी? आज अंतर्राष्ट्रीय बैस सभा के बैनर तले कुणाल आनंद ने स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जी के पूर्ण तिथि पर बैस समाज को एक करने का काम जो शुरू किए हैं, पहल किए हैं, ये सराहनीय है। ये पहले भी से होना चाहिए, लेकिन हम जब से जगे तभी से सवेरा मान लें तो ये अच्छा पहल है कुणाल जी का कि हम बैस समाज के लोग जो अलग अलग बटे हुए हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि बैस समाज का संख्या सिवान में बहुत काफ़ी है, लेकिन यहाँ संख्या जो जुटा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आज ब्रज बिहारी प्रसाद जी के चरणों में हम 100-100 बार सुमन अर्पित करते हैं, फूल अर्पित करते हैं कि आज जो ब्रज बिहारी प्रसाद का सोच था वो आज हम सबको उस सोच पे उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। इसलिए कि ब्रज बिहारी स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद जी ने बैस समाज को एक करने का जो काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम करने का जो क्षमता था, जो अंतरात्मा था, जो उनमें हुनर था, उसको देखते हुए कुछ लोग डर गए और डर करके ब्रज बिहारी प्रसाद जी का हत्या करा दिए। नहीं तो हमको लगता है कि आज ब्रज बिहारी प्रसाद जिंदा होते तो बिहार के मुख्यमंत्री होते, इसे कोई रोकता नहीं। लेकिन आज हम बैस समाज के लोगों को ज़रूरत है कि एक हो करके कोई भी चुनाव लड़े, कहीं भी कोई काम करें तो बैस समाज एक हो। आज इस मंच के माध्यम से हम बैस समाज को प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं कि बैस समाज हमारा एक हो, तभी हमारे ब्रज बिहारी प्रसाद जी का सही श्रद्धा सुमन अर्पित होगा। जय हिंद, जय ब्रज बिहारी प्रसाद। उनका जो सिद्धांत रहा है वो आम जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। वो सिर्फ वैश्य समाज के ही मतलब प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि उनका जो सोच था वो ये था कि जो समाज के दबे कुचले वंचित लोग हैं उनको आगे लाया जाए। तो अभी तक क्या लगता है सर कि वर्तमान सरकार ने उनके लिए कुछ कार्य किया है उनका स्मृति में, याद में? ऐसा तो मुझे नहीं महसूस होता है कि सरकार उनके यादों में कुछ किया हो। ब्रज बिहारी जी वैश्य समाज के सपूत थे ही, ब्रज बिहारी का नाम सुनते ही वैश्य समाज खोल जाता था कि हमारा नेता और नेतृत्व हो गया। लेकिन वंचित समाज, पिछड़ा वर्ग समाज, दलित समाज का भी वो मसीहा के रूप में थे कि वो सोचते थे कि हम दलित वर्गों को, कमजोर वर्गों को साथ लेकर चलेंगे तो जो मेरा 25 और 30 वर्ष की आबादी है उस पर हम कामयाब होकर बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो हमारे विधायक साहब जी बोली कि अगर वह जिंदा रहते तो मुख्यमंत्री रहते, इसी आवेश में उन्हें हत्या कर दिया गया। हम लोग को बनिया बकाल कहकर कमजोर कर दिया गया, पचपोड़ना कहकर कमजोर कर दिया गया, लेकिन बनिया बकाल समाज के सभी वर्गों को सम्मान और इज्जत देता है, जिसका मिसाल है महात्मा गांधी जी, राम मनोहर लोहिया और जो हमारे चंद्रगुप्त, महाराजा अग्रसेन, महाराजा हेमचंद हेमू, महाराजा अग्र, तमाम लोग वैश्य समाज के सपूत लोग यह विचारधारा से रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि जो वैश्य में जो बटे हैं उसको बटने नहीं देना है, जो नेता लोग और पार्टी लोग करते हैं उसको एकजुट होकर हम लोग ताकत को मजबूत बना के रखेंगे तो हर जगह हमारा 50,000 का एवं में हमारा वैश्य समाज विधानसभा में है, जहाँ हर लोकसभा के 6-6 विधानसभा होते हैं और 50,000 अगर विधानसभा से अगर हमारा वैश्य समाज है तो 3,00,000-3,50,000 की आबादी है। उसके अनुपात हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोली प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता की, हमारा अनुपात में मेरा अधिकार नहीं मिलता है, उसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। हन पार्टी सोचे नहीं तो बहुत जगह भी आने वाले दिनों में हरा है, जहाँ हमारा वैश्य समाज निर्दलीय के रूप में खड़ा हुआ
तो आप ग्राफ देखेंगे तो हारा है, 300 वोट से 600 वोट से हार हुई है। तो उपेक्षा करेंगे तो अब नौजवान जग चुका है। क्या ये मान के चला जाए सर कि सिवान की जो राजेंद्र बाबू और मौलाना मजूबर की धरती है, उस धरती से आप लोगों ने जैसे कुणाल आनंद ने इस समाज के सभी लोगों को एक मंच पर आमंत्रित किया, कार्यक्रम बड़ा शानदार रहा, तो इसका गूंज जो है पूरे बिहार के सियासत में जाएगी? दम निश्चित जाएगी। सिवान का तो नाम से लोग सभी जानते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन सिवान की जो धरती से बिरज बिहारी जी के कार्यक्रम से हमारा जो प्रदेश के महासचिव कुणाल जी ने जो और जिला अध्यक्ष ने जो आवाज उठाया है सभी प्रखंडों में जाएगा, और इसकी आवाज़ तो निश्चित ही जहाँ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आ गए, जहाँ हमारे विधायक जी पूर्व विधायक आए हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अजय जी आए हैं, तो लोग तो देख रहा है बिहार की धरती पर कि हमारा वैश्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय वैश्य समाज के कहाँ कहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर जगन्नाथ प्रसाद गए। अंगड़ाई तो लेगा और निश्चित ही अंगड़ाई लेगा जी। चलिए कुणाल, आप लोगों ने अपना यूनिटी को दिखलाया है, जो एकता यहाँ पर दिखाई दे रही है, आने वाले समय लगता है कि यह एकता और मजबूत होगी। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हमारे जो वैश्य समाज के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है या जो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं सामाजिक लोग हैं, निश्चित रूप से वो जगे हैं, और आने वाले दिनों में जो चुनाव आएंगे उसके परिणाम भी दिखाई देंगे आपको। और बिहार सरकार से मैं भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारी जनसंख्या जितनी है उसके हिसाब से हमको भागीदारी भी मिलनी चाहिए, उस पर भी वो काम करें। ये तो निश्चित रूप से ये तो ये है कि NDA ही हम लोग मान सम्मान देता है और देते आया है पहले से भी, तो हम चाहेंगे कि जितनी हमारी जनसंख्या उसके हिसाब से थोड़ी सी भी कम है तो इसकी भागीदारी और बढ़नी चाहिए। चलिए तो अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि इस मंच पर आपके वैश्य समाज के एक से एक तो है अनुभवी दिग्गज लोग आए हुए हैं, और ये सभी लोगों का अपना एक जो है प्रभाव है, पहचान है, तो इस संदेश के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से आप वैसे लोगों तक जो वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं, इस कार्यक्रम में किसी कारणवश शरीक नहीं हो पाए हैं, उन तक क्या मैसेज देंगे आप? जी, हम उनसे यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप होते तो और अच्छा होता, बाकी लोगों को भी जागरूक करते, और नहीं है तो आपको पछतावा तो होगी, क्योंकि जो वैश्य समाज के लोग हैं ये जाग चुके हैं और भागीदारी निश्चित रूप से मिलनी तय है। ठीक है, देर हो रहा है, लेकिन देर है या देर नहीं है, निश्चित रूप से हम लोगों को भागीदारी मिलेगी, और वो लोग जो नहीं उपस्थित हो सके उनको भी होनी चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज एकजुट होगा तभी जा करके हम लोग आगे भी कुछ कर सकते हैं, भले राजनीति में हो या किसी भी संगठन में। चलिए सर बताइए। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में, डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। रूहानी ताकतों की बादशाह गोगिया सरकार, चाहे वो करके दिखाए, मन भर लड़की को लड़का बनाए, क्योंकि ये है विश्व का महान जादू। गोगिया सरकार है आपके शहर में, गोगिया सरकार है। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सलोन सिवान। मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल मोर सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918, ईमेल sivansalon@vlccwellness.com।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर प्लानो, ब्लैंकेट, और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर, फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 06154356633।